नमस्ते दोस्तों मैं सत्यजीत गायकवाड़ आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आज हम सीखने वाले हैं सिमिलैरिटी क्लास टेंथ का ज्योमेट्री का फर्स्ट लेसन सिमिलैरिटी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आज हम देखेंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स ये वाली कंसेप्ट आज हम सीखने वाले हैं तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं इंडियाज़ फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म नून अकेडमी इज हर इंडियाज़ फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जी हाँ आपने सही सुना जहाँ पर आपको मिलेगा एम एच बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्लास नाइन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक की पूरी की पूरी लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली है बिल्कुल फ्री जी हाँ डेली फ्री लाइव क्लासेस टिल एग्जाम आर डन फ्री नोट्स भी आपको मिलने वाली है एम सी यू सेशन भी वहाँ पर आपके कंडक्ट होने वाले हैं साथ ही साथ में आपकी महाराष्ट्र सी ई टी और नीट की भी वहाँ पर गाइडेंस आपको मिलने वाली है उसके साथ ही आपको मिलेगी अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशन ये सब के सब पार्ट आपको मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री जी हाँ बिल्कुल ही फ्री नो ऑफ नो कॉस्ट ये सभी आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ नून अकेडमी पर तो जल्दी से जाइए और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को फॉलो करके नून अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री क्लासेस का मजा लीजिए तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज हम सीखने वाले हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स जी हाँ द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स दो ट्राइंगल्स की एरियाज का रेशो क्या होता है वो आज हम सीखने वाले हैं लेटेस्ट कंसिडर टू ट्राएंगल्स ट्रैगल ए बी सी एंड ट्रैंगल पी क्यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया क्या होता है पढ़ लेंगे हम एरिया क्या होता है वॉट इज एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है एरिया ऑफ ट्रैंगल यस एरिया ऑफ ट्रैगल इज इक्वल टू हाफ इं टू बेस इन टू हाइट जी हाँ यही फार्मूला अप्लाई करने वाले हम तो देखेंगे क्या होगा यहाँ पर तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रैंगल ट्राएंगल ए बी सी जिसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राएंगल ए बी सी कुछ इस तरह से इसे रीड करना कैसे है रीड करना है एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू वट इज द बेस बेस इज बी सी हाफ इंटू बी सी व्हाट इज द हाइट हाइट इज एडी हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी हाफ इंटू ये वाला बेस और ये वाली हाइट ओके okay. तो ये हुआ हमारा फर्स्ट ट्रैंगल का एरिया तो सेकेंड ट्रैंगल जो है उसका एरिया क्या होगा एरिया ऑफ ट्रैंगल पी क्यू आर एरिया ऑफ ट्रैंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये वाला बेस ये वाली हाइट ओके okay. तो हाफ इंटू बेस क्यू आर इंटू हाइट पी एस हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एस ये वाला इक्वेशन सेकेंड तो हमें लेना है दोनों ट्रैंगल्स का एरिया का रेशियो रेशियो ऑफ एरियाज वट इज द रेशो ऑफ एरियाज देखिए एरिया फर्स्ट ट्रैंगल का जो है एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राएंगल पी क्यू आर ये हुआ इन दोनों का रेशो रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स तो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका रेशियो तो हमने ले लिया अब राइट हैंड साइड का रेशो बाकी राइट हैंड साइड का रेशो लेंगे एज़ इट इज हाफ़ इंटू बी सी इंटू ए डी अपॉन हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एस तो हाफ ऑफ क्या होगा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा बी सी इंटू ए डी बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इं पी एस ये जो है ये से हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी

और ये कल है बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल। बी सी क्या है है जो है ये बेस है हाइट ऑफ सेकेंड ट्रैगल मतलब बी सी बेस ऑफ फर्स्ट एंगल दैट इज बी वन एडी हाइट ऑफ फर्स्ट एंगल दैट इज एच वन अपन क्यू आर बेस ऑफ सेकेंड ट्रैंगल बी टू और पी एस क्या है हाइट ऑफ ट्रायंगल मतलब ध्यान में रखना है दो ट्रायंगल्स का रेशो है दो के का रेशो, जो A1 upon A2 कहेंगे हम ये आपको खाली ध्यान में रखना है और इसमें कोई भी वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं तो ध्यान में क्या रखना है एरिया ऑफ फर्स्ट एंगल ए वन अपन एरिया ऑफ सेकंड ट्रगल ए टू इज इक्वल टू बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू यहाँ पर बी वन बी टू उन दोनों ट्राइंगल्स के बेसिस होंगे और एच वन एच टू दोनों ट्राइंगल्स की हाइट्स होंगी तो ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है तो इतनी सी एक कंसेप्ट है छोटी सी इसमें एक दो कंडीशन और है वो कंडीशन देख लेंगे कंडीशन क्या है पहली कंडीशन तो इस प्रकार है इफ द ट्राइंगल्स ऑफ बोथ इफ द हाइट्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल अगर दोनों ट्राइंगल्स की हाइट इक्वल होगी कुछ इस तरह से देखिए दो ट्राइंगल्स कंसिडर कीजिए ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू और दोनों ट्राइंगल्स में हाइट जो है वो इक्वल है तो क्या कहेंगे देखिए अब हमें तो पता है ए वन अपॉन ए टू क्या होगा ए वन अपन ए टू इज इक्वल टू बी वन इंटू एच वन अभी अभी हमने सीखा बी वन इंट एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे ए वन यानी पहला ट्राइंगल जो है वो क्या है ट्राइंगल ए बी सी मतलब एरिया ऑफ ट्राएंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डायरेक्टली भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एरिया ट्रांगल ए बी सी अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल कौन सा है पी क्यू आर एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी वन बेस ऑफ फर्स्ट ट्रैंगल इज बी सी मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ फर्स्ट एंगल ए डी अपॉन क्यू आर इन टू पी एस क्यू आर बेस ऑफ सेकंड ट्रैगल बी टू क्यू आर एंड हाइट ऑफ सेकंड ट्रैंगल इज टू मतलब पी एस अब यहाँ पर एक बार गौर करने वाली है देखिए जो हाइट है मतलब वैल्यू ऑफ ए डी इज एच वैल्यू ऑफ पी एस इज ऑल्सो एच मतलब ए डी और पी पी एस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा मतलब ये एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी जो है अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो बचेगा क्या यहाँ पर सिर्फ बचेगा अपॉन जो हाइट थी एंड वो सेम होने की वजह से क्या हो गई एलिमिनेट हो गई कैंसिल हो गई मतलब उसे क्या की कर दिया हमने कैंसिल कर दिया तो रही क्या बचा क्या बीसी अपॉन क्यू आर और बीसी क्या है मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इसे हम लेंगे ए वन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो लेंगे ए टू इज इक्वल टू बी बी सी क्या है बीसी इज द बेस बेस ऑफ फर्स्ट देशल मतलब बी वन एंड व्हाट इज क्यूर क्यूर इज द बेस ऑफ सेकंड ट्रायंगल दैट इज देंगल अब इसमें से क्या आपको समझ में आया इसमें से समझ में इतना आया कि इफ द हाइट ऑफ बो आर इक्वल देन देन द क्या लिखेंगे अब इतना ध्यान में रखेंगे देन अपॉन इज बी टू हाइट इज इक्वल मतलब क्या एच वन इज इक्वल टू एच टू दोनों ट्रैंगल्स की हाइट क्या होगी इक्वल होगी और उसका रेशियो किसके रेशो के फॉर्म में आएगा उसका रेशियो इज इक्वल टू द देश ऑफ द बेसिस रेशो ऑफ एरिया इज इक्वल टू ऑफ बेसिस ओके सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है इफ हाइट इज इक्वल देन द रेशो इज इक्वल रेशो ऑफ एरिया इज इक्वल टू रेशो ऑफ बेस ओके उसके बाद हम देखेंगे इफ द बेस इफ द बेस ऑफ बोथ ट्रैंगल्स आर इक्वल अब यहां पर क्या होगा बेस इक्वल होगा बी वन इज इक्वल टू बी टू सिंपल कुछ भी ध्यान कुछ भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है अब पिछली बार जो हमने देखा था पिछली बार इससे पहले वो क्या देखा था ये देखिए इससे पहले देखा था कि ये देखिए यहाँ पर इफ द बेसिस ऑफ बोट्रैंगल्स आर इक्वल तो क्या हुआ बी वन इज इक्वल टू बी टू और सपोज हाइट इक्वल थी तब रेशो क्या हुआ इफ हाइट इज इक्वल एच वन इज इक्वल टू एच टू तो एरिया क्या बना ए वन अपोन ए टू रेशो ऑफ एरिया क्या बना बी वन अपॉन बी टू अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर बी वन इज इक्वल टू बी टू है यानी बेस इक्वल है ये देखिए दोनों ट्राइंगल का जो बेस है ये कॉमन है ओके दोनों ट्राइंगल का बेस ए बी है इसी वजह से बी वन इज इक्वल टू बी टू तब रेशो क्या बनेगा ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन बी टू कैंसिल हो जाएगा और रहेगा क्या फिर एच वन अपॉन एच टू तो सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखना है कि अगर बेस इक्वल हो तो रेशो बनेगा रेशो ऑफ हाइट्स और अगर हाइट इक्वल हो तो रेशो बनेगा रेशो ऑफ बेसिस सिर्फ इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है जब बेस इक्वल हो तब हाइट का रेशो लेना है और जब हाइट इक्वल हो तो बेस का रेशो लेना है इतनी सी एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है उसके बाद एक सिंपल क्वेश्चन है हमारे सभी के मन में कि अगर क्या होगा सपोज सपोज दोनों चीजें इक्वल होंगी इफ बी वन इज इक्वल टू बी टू एंड यच वन इज इक्वल टू यच टू तब क्या होगा अब इस सवाल का तो जवाब आपको क्या देना है कमेंट बॉक्स में देना है अगर बेस इक्वल है और हाइट भी इक्वल है तो रेशो ऑफ एरिया क्या बनेगा रेशो ऑफ एरिया क्या होगा इस बात का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है अगर जवाब नहीं मालूम है तभी भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं मैं आपको आंसर दे दूंगा ठीक है चलिए आगे आगे हमें कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं ध्यान में रखने हैं पहला पॉइंट है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स प्रोडक्ट ऑफ बेसिस एंड हाइट मतलब बी वन इंटू एच वन बेस एंड हाइट का प्रोडक्ट अपॉन बी टू इंटू एच टू यह क्या है ए वन अपॉन ए टू रेशो ऑफ एरिया इक्वल टू बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू यह पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स इक्वल हाइट्स मतलब इफ हाइट क्या है इक्वल है एच वन इज इक्वल टू एच टू देन क्या होगा देन द रेशियो इज एरिया इज प्रपोर्सनल टू द करस्पॉन्डिंग बेसिस मतलब ए वन अपॉन ए टू क्या बनेगा करस्पॉन्डिंग बेसिस यानी बी वन इन अपॉन बी टू तीसरा पॉइंट क्या है एरियाज ऑफ ट्रैंगल्स विथ इक्वल बेसिस आर प्रपोर्शनल टू इक्वल बेसिस मतलब यह, यहाँ पे क्या बना इफ यहाँ पर क्या है बेस इक्वल है बी वन इज इक्वल टू बी टू देन एरिया रेशियो ऑफ एरिया ए वन अपोन ए टू क्या बनेगा ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू वी वन बी टू तो इक्वल है मतलब रेशियो क्या बनेगा एच वन अपॉन एच टू कुछ इस प्रकार से ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं इसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट वन पॉइंट वन जिसमें से पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल दिया गया है यहाँ पर क्या है देखिए बेस ऑफ ट्राइंगल इज नाइन बेस ऑफ ट्राइंगल इज नाइन एंड हाइट इज फाइव जो पहला ट्राएंगल है बेस एंड हाइट दी गई है मतलब बी वन फर्स्ट ट्रैंगल होने की वजह से बी वन इज इक्वल टू नाइन एंड एच वन इज इक्वल टू फाइव बेस ऑफ अनदर ट्राएंगल यानी कि बी टू कितना है टेन बी टू इज इक्वल टू टेन एंड हाइट उसी की हाइट यानी कि एच टू इज इक्वल टू सिक्स फाइंड द रेशो ऑफ एरिया वी नो दैट क्या मालूम है हमें वी नो दैट जो रेशो ऑफ एरिया है उसे हम कहेंगे ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू वैल्यू पुट करेंगे बी वन नाइन मल्टीप्लाइड बाई एच वन फाइव अपॉन बी टू 10 into h 2 6 simply 9 5 a forty five upon 10 6 a 60 that is equal to fifteen 3 is a 45, and fifteen 4 is a 60 a 1 upon 8 what kabana 3 upon 4 what is the ratio of area the ratio of areas of given triangles is the ratio of areas of given triangles is थ्री इज टू फोर ओके से हम उसे लिखेंगे तो आई होप ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं अगला एग्जाम्पल है कुछ इस प्रकार एक डायग्राम दी गई है इन फिगर वन पॉइंट थर्टीन बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए डी बी सी जो है परपेंडिकुलर है ए बी को परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी ए डी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी मतलब ये जो है ये है हाइट ऑफ फर्स्ट एंगल और ये है हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल और ये जो ए बी है ये है बेस इसे हम बी वन भी कहेंगे और बी टू भी कहेंगे क्योंकि बेस कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है तो बेस कॉमन है मतलब ए बी इज द बेस ए बी इज द बेस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स दे फोर द रेशो क्या बनेगा रेशो फाइंड आउट करना है हमें ये वाला रेशो फाइंड आउट करना है रेशो क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेफ्ट्रेंगल ए बी सी अपन ए रेफ्ट्रगल ए डी बी जब बेस कॉमन होता है या इक्वल होता है तो रेशियो किसका लेते हैं हम हाइट का रेशियो लेते हैं ओके okay? तो हाइट क्या है ए बी सी की हाइट क्या है ए रेफ्ट्रगल ए बी सी जो है ए बी सी की हाइट है बी सी हाइट इज बी सी एंड ए डी बी की जो हाइट है ट्राइंगल ईडीबी की हाइट जो है वो है ए डी बी सी अपन ए डी बनेगा दैट इज इक्वल टू बी सी जो है वो है फोर और ए डी जो है ए डी क्या है एट फोर अपॉन एट मतलब फोर वन ज फोर फोर टू जट एरिया ऑफ ट्राएंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रैंगल ए डी बी इज इक्वल टू वन अपॉन टू ओके कुछ इस तरीके से हम ये सॉल्व कर सकते हैं ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करना था ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर दी हमने यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं अगले एग्जांपल में देखिए आपको क्या दिया गया है यहाँ पर एक ट्रायंगल है कौन सा ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू आर दिया गया है कौन सा ट्रायंगल या शायद उससे पहले वो ट्रायंगल ध्यान में आने से पहले आपने वैल्यू खाली कंसिडर करना है वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू दी गई है आर क्यू दिया गया है आर क्यू यहाँ पर सिक्स पी एस दिया गया है पी एस कितना है पी एस सिक्स है उसके बाद पी आर कितना है पी आर है ट्वेल्व ये जो पी आर है ये कितना है ट्वेल्व उसके बाद क्यू टी क्यू टी फाइंड आउट करना है सपोज ये एक्स हो गया या कुछ तो भी ये हमें फाइंड आउट करना है तो ये वाला जो पार्ट है ये दिया गया नहीं है मतलब ये जो पी क्यू आर है यही गिवन ट्रायंगल है ट्रायंगल जो है क्या है पी क्यू आर ये ध्यान में रखना है हमेशा उसका बेस होगा आर क्यू हाइट होगी पी एस ये वाला दूसरा बेस अगर कंसिडर करना होगा तो पी आर दूसरा बेस तो क्यू टी दूसरी हाइट तो कुछ इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया एक ही ट्रायंगल है मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यू आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों जो ट्रायंगल है मतलब एक ही ट्रायंगल है उसी का एरिया उसी के बराबर दिखाया गया है ओके okay? तो पहले तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस हाइट व्हाट इज बेस आरक्यू व्हाट इज हाइट पीएस इज इक्वल टू हाफ इंटू अब बेस दूसरा लेना पड़ेगा दूसरा बेस कौन सा है दूसरा बेस है पी आर दूसरा बेस कौन सा है पी आर मल्टीप्लाई बाय उससे परपेंडिकुलर कौन है क्यूटी परपेंडिकुलर है मतलब क्यूटी दूसरी हाइट है क्यूटी इज सेकेंड हाइट मतलब कौन सी किसी भी ट्रैंगल में बेस और हाइट की हम थ्री पेयर्स हम कंसिडर कर सकते हैं तो यहाँ पर दो कंसिडर करना पड़ा है हमें हाफ ऑफ गेट्स कैंसल आर क्यू इज इक्वल टू आर क्यू क्या है सिक्स है पी एस क्या है पीएस भी सिक्स सिक्स इंटू सिक्स दैट इज इक्वल टू पी आर पी आर कितना है पी आर है ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाई क्यू टी क्यू टी फाइंड आउट करना है इसी वजह से क्यू टी एज इट इज रखेंगे तो उसके बाद क्या होगा सिक्स सिक्स ज थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई ट्वेल्व जो है वो डिवाइड में आ जाएंगे यहाँ पर क्यू टी एज इट इज रहेगा तो ट्वेल्व थ्री जॉ थर्टी सिक्स तो क्यू टी इज इक्वल टू क्या है वट इज़ वैल्यू ऑफ क्यू टी क्यू टी इज इक्वल टू टेन आंसर क्या लिखेंगे आंसर लिखेंगे क्यू टी इज इक्वल टू थ्री ओके कुछ इस तरीके से हमने ये वैल्यू ये वाला क्वेश्चन जो था वो दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन लिखने में या सॉल्व करने में उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था सिर्फ आपको यह वाली बात ध्यान में रखना है कि स्टार्टिंग कंसिडर क्या करना है और स्टार्ट कैसे करना है यह अगर आपने ध्यान में रखा तो आपको पूरा का पूरा एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएंगे ठीक है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है इन एडज्वाइनिंग फिगर इन एडज्वाइनिंग फिगर ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी ए पी इज परपेंडिकुलर टू बीसी एडी टू बी सी देख ट्री सी एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना पहले बात तो ये दो, दोनों दोनों ट्राइंगल कहां पर है ये देख लेंगे देखिये पहला वाला ट्राइंगल कुछ यहां पर पहला वाला ट्राइंगल देखिए कौन सा है ट्रैंगल ए बी सी ये देखिए यहां पर ट्रैंगल ए बी सी देख गया तो दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है देखेंगे एक मिनट दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है देखेंगे देखिए कुछ इस तरीके से दूसरा ट्रायंगल है बी सी डी ये है यहाँ पर अब यहाँ पे गौर करने वाली बात तो यह है कि यहाँ पर कॉमन क्या है या इक्वल क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है उसी के आगे हम सॉल्व कर सकेंगे तो ये वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट कॉमन है मतलब बी सी कॉमन है तो बी सी क्या है बीसी क्या है बेसे बी सी क्या है बेस है तो बेस कॉमन है और उससे भी एक आगे वाली बात ए डी इज पैरल टू बी सी क्या है ए डी इज पैरल टू बी सी मतलब मतलब कि ये 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 पूरे के पूरे डिस्टेंसेस क्या होंगे इक्वल होंगे इक्वी डिस्टेंट द लाइन्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इच अदर मतलब पैरल है तो उसके बीच का डिस्टेंस जो है वो कैसा रहेगा वो इक्वल रहेगा जो डिस्टेंस इक्वल है मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स जो है दोनों ट्रायंगल्स की हाइट भी क्या है हाइट भी इक्वल है क्या इक्वल है हाइट भी उन दोनों ट्रायंगल्स की क्या है इक्वल है तो दोनों की हाइट भी इक्वल है और बेस भी इक्वल है तो वो पहले से लिख लेंगे देखिए बी सी इज द कॉमन बेस बी सी इज द कॉमन बेस ओके अब दूसरी बात है लिखेंगे कि ए डी इज पैरल टू बी सी ए डी इज पैरल टू बी सी एंड दे फोर हाइट्स ऑफ द ट्राइंगल्स हाइट्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल हाइट भी क्या होगी इक्वल होगी आर इक्वल अब बेस और हाइट दोनों इक्वल है तो क्या करेंगे तो क्या करेंगे रेशियो क्या बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एक बार रफ में यहां पर करके बताता हूं अगर बेस और हाइट दोनों इक्वल है यहाँ पर बेस बी हाइट एच यहाँ पर भी बेस बी सॉरी बी बी बनेगा बी और हाइट एच तो एच एच कैंसिल बी बी कैंसिल क्या बचा वन अपॉन वन मतलब रेशो क्या बना ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू वन अपॉन वन मतलब एरिया रियाट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया रिया ट्रैंगल बी सी डी इज इक्वल टू वन अपॉइन वन लेकिन रेशो के फॉर्म में लिखना है रेशो के फॉर्म में कैसे लिखना है एरिया ऑफ ट्रैगल ए बी सी इज टू एरियाल ए रि रेफ्ट्रैंगल ए बी सी इज टू एरिया ट्रैंगल बी सी डी इज इक्वल टू वन इज टू वन कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था ओके okay? तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे एक लास्ट क्वेश्चन हमें देखना है जो कि कुछ इस तरीके से है देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव जो है लास्ट वाला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का तो इसे हम इसमें हम कोई सॉल्व करना नहीं है कुछ भी सॉल्व करना नहीं है सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है कि क्या क्या इसकी वैल्यू आएगी किसके फॉर्म में आएगी तो पहला वाला रेशो जो है वो रेशो है एरिया ऑफ ट्राएंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राएंगल पी बी सी इज इक्वल टू अब देखिए यहाँ पर दोनों ट्राइंगल कहाँ पर मौजूद है वो पहले हम देख लेंगे दोनों ट्राइंगल जो है वो कहाँ पर है देखिए ट्रायंगल पी क्यू बी देखिए यहां पर पी क्यू बी यहां पर और दूसरा ट्रायंगल पी बी सी पी बी सी ये यह कुछ यहां पर देखिए दूसरा ट्रायंगल कौन सा है ट्रायंगल पी बी सी ये वाला ट्रायंगल तो इस ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल में पी क्यू बी और पी बी सी दोनों ट्रायंगल में इक्वल क्या है जी हाँ इक्वल है पी क्यू मतलब हाइट हाइट इज इक्वल तो क्या लिखना है रेशो में क्या लिखना है रेशो में लिखना है उसका रेशो ऑफ बेसिस जब हाइट इक्वल होती है तो रेशो किसका कंसिडर करेंगे हम बेसिस का पी क्यू बी का बेस क्या है बी क्यू है और पी बी सी का बेस क्या है बी सी है मतलब बेस ऑफ पी बी क्यू पी क्यू बी इज बी क्यू अपॉन दूसरा बेस कौन सा है बी सी मतलब बी क्यू अपॉन बी सी ये वाला बना हमारा पहला रेशो बिकॉज इसको रीजन लिख लेंगे रीजन क्या है ट्रैंगल्स विथ कौन से ट्रैंगल्स जिनका क्या इक्वल है ट्रैंगल्स विथ कॉमन हाइट क्या कॉमन है हाइट कॉमन है इसी वजह से रेशो कौन सा कंसिडर किया okay. रेशो ऑफ द बेसिस ओके सेकेंड वाला रेशो देख लेंगे सेकेंड वाला कौन सा है ट्रैंगल पी बी सी एरिया ऑफ ट्रैंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू पी बी सी देखिए यहाँ पर पी बी सी अभी अभी कंसिडर किया हुआ ट्राइंगल और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देखिए यहाँ पर सिंपल है इसका नाम में भी आपको कॉमन दिखेगा बी सी बी सी कॉमन दिखेगा ओके क्या कॉमन है बी सी कॉमन है बी सी क्या है, है? बेस ए तो रेशियो किसका लेंगे हाइट का लेंगे पी बी सी की हाइट क्या है पी बी सी की हाइट है पी क्यू इसकी हाइट क्या है पी क्यू अपॉन दूसरी ट्राएंगल ए बी सी की हाइट क्या है ए डी पी क्यू ए डी अब इसका रीजन क्या लिखेंगे इसका रीज़न लिखेंगे ट्राइंगल्स विथ कॉमन बेस ट्राएंगल्स विथ कॉमन बेस जी हाँ ट्राइंगल्स विथ कॉमन बेस ओके अब ये हुआ हमारा सेकेंड वैल्यू उसके बाद थर्ड वाली वैल्यू क्या होगी थर्ड वाली वैल्यू जो है एरिया ऑफ ट्राएंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी एरिया ऑफ ट्राएंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रैंगल ए डी सी इस इक्वल टू ए बी सी कहाँ पर है देखिए ये यहाँ पर ये यह बड़ा वाला और ए डी सी कहाँ पर है ए डी सी ए वाला तो उसमें हाइट ए डी कॉमन है लिखेंगे क्या फिर बेस लिखेंगे बेस पहले ट्रैंगल का बेस ए बी सी का बेस क्या है बी सी है और दूसरा ट्रैंगल जो है ए डी सी उसका बेस क्या है डी सी बी सी अपॉन डी सी क्या कॉमन है उसमें हाइट कॉमन है ट्रैंगल्स विथ कॉमन हाइट क्या है ट्रैंगल्स विथ कॉमन हाइट ओके तो कुछ इस प्रकार ये हमने लिख लिया एंड लास्ट फोर्थ रेशो रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राएंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू इज ए डी सी और पी क्यू सी कहाँ है ये देखिए ए डी सी यहाँ पर ये वाला और पी क्यू सी कहाँ है ये देखिए पी क्यू सी ये नीचे उसके नीचे तो इसमें कुछ भी इक्वल नहीं है देखिए एक मिनट इसको रेज करता हूँ तो देखिए दोनों ट्रायंगल जो है दोनों ट्रायंगल कुछ यहाँ पर है देखिए ये वाला आपको दिखेगा पहला ट्रायंगल ट्रायंगल ए डी सी ये यहाँ पर और दूसरा वाला ट्रायंगल जो है वो दूसरा वाला ट्रायंगल दिखेगा ये यह यहां पर पी क्यू सी तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है बेस और हाइट दोनों डिफरेंट है तो दोनों में से कुछ भी कैंसिल नहीं होगा दोनों लिखना पड़ेगा बेस एंड हेड ए डी सी की बेस एंड हेड क्या है ए डी सी का बेस है डी सी मल्टीप्लाइड बाय उसकी हाइट है ए डी अपॉन पी क्यू सी का हाइट बेस क्या है क्यू सी है पी क्यू सी का बेस क्या है क्यू सी और उसकी हाइट है पी क्यू सब कुछ डिफरेंट है मतलब इसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है दोनों ही कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी ओके okay, तो कुछ इस तरीके से हमने ये वाला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिया इसमें से अगर कोई भी आपको डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं अगले लेक्चर में अगले वीडियो में मैं कवर कर लूंगा और अगर आपको पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया और वीडियो पसंद आ गई तो आप लाइक बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ठीक है थैंक यू